फ्रेंड्स वेलकम बैडी, मैं हूं आपका अपना राजवे और आज लाया हूं एक बार फिर से XMR और उसमें है कुछ लेटेस्ट मॉडिफिकेशन जो कि सबसे पहले दिखाऊंगा इसके अंदर टैनर स्टाइल वाले मिरर जो कि इसके अंदर लगा दिए गए हैं। लुक चेकआउट कर लो कैसी है, और ये भैया ने फिटमेंट बनाई है खुद, और ध्यान रखना ऐसी फिटमेंट आपको ही बनवानी हो तो आपको आना पड़ेगा शॉप पर, विजिट करना पड़ेगा। और ये इसकी जो फिटिंग भैया ने बनवाई ना, किस तरीके देखो इसको जो फिटमेंट है वैसे यहाँ पर फिट होती है, और इसके अंदर जो होल्स होता है एक इधर और एक इधर होता है, तो इधर भी भैया ने चूड़ी बनवा के प्रॉपर काम करा दिया गया। इसका लुक देख लो आप क्या ज़बरदस्त है, इसकी फिट होने के बाद सेम इधर सेम मिलता है आपको, इस तरफ लुक भी एनहेंस होगी और प्रॉपर फिटिंग भी होगा काम। तो ये था भैया खुद का काम, अब दिखाते हैं हमने क्या किया। ये बहुत से लोगों को टेल टेड के इंतजार था इस गाड़ी के अंदर, तो उनके लिए सब्र का फल मीठा होने वाला है क्योंकि ख़त्म हो चुका है सब्र। ये देखिए इसमें लगा दिया टेल टेडी जो कि मिलते हैं प्रॉपर फिटमेंट का, लुक चेकआउट कर लो इसकी। और जो नीचे चार स्क्रू होते हैं ना, 1 2 3 4 वही इसके प्रॉपर फिटिंग इसके अंदर की गई है, कोई इसमें अल्ट्रेशन नहीं, कोई जुगाड़ नहीं, पूरा प्रॉपर फिट कर दिया गया इसके टेल टेडी। और जो इसके ओरिजिनल इंडिकेटर है ना वही इसके अंदर इंस्टॉल करे गए हैं, ओरिजिनल इंडिकेटर जो कि देते हैं कंपनी LED वाले वही इसके अंदर इंस्टॉल्ड है, कोई एक्स्ट्रा ऑर्डनरी कोई जुगाड़ नहीं करा है, ना ही कोई दूसरे लगाए गए हैं, सेम वही कंपनी वाले। इधर आपको मिलता है नंबर ऑफ फ्रेम, ये भी इसके अंदर लगा दिए गए, लुक चेकआउट कर लो। और इसमें ना पहले से लैमिनेशन भी की हुई है जो कि काफ़ी अच्छी लग कर रखी है, जिसने भी कर रखी है तो अच्छी तरह लगा रखा है। ये थी इस बाइक की मॉडिफिकेशन, छोटी सी मॉडिफिकेशन है बट काफ़ी नीडफुल मॉडिफिकेशन, जिसको ज़रूरत हो ना टेल टैडी की, क्योंकि जो इसका पीछे का पोर्शन होता है ना ये काफ़ी लॉन्ग होता है, वैसे तो इस पर टायर अगर लग सकता है बट टायर अगर लगाएंगे तो जो लुक है ना पीछे की वो ख़राब हो जाएगी, तो इसलिए इसमें टायर अगर नहीं लगाया है, टेल टैडी की लुक ही इसके अंदर ली गई है। और सबसे पहले मैं बता दूँ ये हमारे बहुत पुराने कस्टमर हैं, अप्रोक्सीमेटली 2 ईयर के आसपास से ज़्यादा हो चुके हैं, तो मिलाता हूँ भैया से कि भैया को पहले कैसा लगा और अब आए हैं तो अब कैसा लगा। आइए सर, तो कैसे हैं भैया? एकदम बढ़िया, दोबारा से मिलके खुशी हो गई। हाँ, कैसा लगा आपको भाई? बहुत बढ़िया, मैं तो वेट ही कर रहा था आने का। हाँ तो गुड, बड़े दिनों बाद है, क्या बात है? अब वही है ना, गाड़ी चेंज करी है, गाड़ी चेंज करी तो चलो भाई भरोसा। अपना नाम बताइए, और जब जितने टाइम पहले आए थे दूसरी शॉप पर छोटी शॉप पर, तो वो अप्रोक्स टाइम बताइए? दो साल लग गए, 2 साल पहले आया था जब अपना चैनल मैंने स्टार्ट किया था, तो एक्सट्रीम थी 160R जिसे ट्रेंडिंग में लाने के लिए उसमें हैंडल गार्ड वगैरह, एक विंडशील्ड वगैरह, मतलब बहुत कुछ लगाया था। चैनल का नाम बता दो, किस चैनल वो वीडियो मिलेगी, क्योंकि मेरे मैं तो उसमें चैनल स्टार्ट किया था। मेरा चैनल है SK फूड गियर, उसमें फर्स्ट वीडियो मैंने भाई के साथ ही बनाई थी, बाकायदा भाई की फोटो भी है उसके साथ में, और काफ़ी मजबूती के साथ काम हुआ था नो डाउट, और वो काफ़ी मतलब यूनिक बनाई थी एक्सट्रीम, ये बात तो मैं अभी भी कहूँगा उसके जैसी नहीं बनी कोई उसको, मतलब इनके चैनल की फ़ोटो लेकर आते थे बंदे मेरे पास कि भैया ये वाला वाइजर ये वाला हैंडगार्ड चाहिए और सेम ऐसे ही चाहिए, और आप ही की शॉप से तो आप दोगे? मैंने कहा बिल्कुल देंगे भैया। हाँ। तो काम तो कराया बहुतों ने, ऐसा नहीं कराया, बट क्या है वो प्रॉपर वीडियो उनकी नहीं बन पाई, बट क्योंकि पहले मैं चैनल नहीं चलाता था आपको पता है। हाँ। तो अब मैंने अपना चैनल जो स्टार्ट किया है तो भैया को पता है, भैया को बहुत खुशी हुई मुझे देख कर, राजू भाई SKD राजू भाई SKD बिल्कुल बिल्कुल, तो भैया को भी अच्छा लगा और मुझे भी अच्छा लगा कि भैया का भी चैनल जो है काफ़ी ज़्यादा ग्रो कर रहा है, और मैं चाहता हूँ कि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो एंड ब्लॉग्स भैया हमेशा बनाते रहे, हम तो बनाते ही हैं, भैया भी बनाते रहे, और जितनी बाइक की जो करिश्मा XMR की मॉडिफिकेशन है ना वो ज़्यादातर भैया खुद करते हैं, इसके अंदर अपना पर्सनल काम खुद ही करते हैं। और ये दिल्ली की पहली XMR है, आई लेट है आपके पास में पर पूरे दिल्ली की तो पहली XMR। कितना टाइम हो गया इसको? 5-6 महीने हो गए। 5-6 महीने? देखो 3 महीने पुराने से वीडियो मेरे पास भी है खैर। हाँ। बट 5-6 महीने भैया जो कह रहे हैं तो हो सकता है, क्योंकि मैंने बहुत शिद्दत के बाद निकाली थी वाली, क्योंकि ये भाई साहब ना थोड़ा सा चूजी हैं। हाँ। ये पहले लेते हैं फिर उससे सोचते हैं। हाँ। प्लान बनाते हैं फिर करवाते हैं काम, ऐसा ही है ना। हाँ, अब आके थोड़ा सेटिस्फाई करवा के तो अब भैया फाइनली सेटिस्फाइड। अच्छा ये बताइए कि एक मैं पुराने उसमें जानना चाहता हूँ। हाँ बताओ। कि जैसे कि आप जब लास्ट टाइम आए थे 2 साल पहले, हाँ, तो जो शॉप थी उस शॉप का ऑनर कौन था? नहीं, ऑनर तो वहाँ पे साफ तौर पे वीडियो देख लेंगे तो यार देख ही जावे मैं बाहर से तो वीडियो हर एक वीडियो क्रिएट कर रखे ना, एक्चुअली वो पहचान लेते हैं जो मेरी शॉप है ना। पहले थी शॉप, अभी तो बड़ी हो गई काफ़ी, पहले शॉप थी थोड़ी छोटी थी, पर एक चीज़ आज भी मेरे को याद है, वो जगह कम थी पर उसमें सामान ऐसे भरा हुआ था जो मैं वो बोल नहीं बोल रहा था मैं भाई ये ऊपर भी क्या सामान रखा हुआ है। तो इनका चैनल है SK फूड गियर नाम से भैया का चैनल है, इनको सब्सक्राइब कर लेना, अगर किसी को इसकी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो आपको करिश्मा XMR 210 की मॉडिफिकेशन साथ साथ इसका जो रिव्यू है इन्होंने खुद अपने चैनल पर दिया हुआ है,
क्योंकि मैं तो ऑन करता नहीं, भैया ऑन करता हूँ, इनके जमा से। बाकी मोड़ी में वीडियो देखनी हो तो आपको देखने को मेरा चैनल जो कि राजू भाई एसकेडी के नाम से, बहुत सारी वीडियोस इसके अंदर, टॉप रैक, सैडल स्टे, क्रैश गार्ड, सब कुछ मैंने इसका बनवा दिया है प्रॉपर फिटिंग वाला। जिसको भी चाहिए हो, कुछ नहीं करना, स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहा है, या तो कॉन्टैक्ट करके आ सकते हैं या फिर कहीं पर भी आप मंगा सकते हो ईजीली। और ये देखते हैं क्या भाई, एक रिमोट है ऐसे ही है, ये वैसे ना बेवकूफ बनाया हुआ है, देखो रिमोट, इसे कहते हैं बेवकूफ बनाना, जैसे थोड़ा मैं बन गया था अभी। बाबूराव बाबूराव गणपता है आप इनको जरा दिखाना अभी जरा सामान के अंदर, कैमरे में। अब तो कैमरे का भी दिखाओ, कैमरे का भी दिखाओ, पर वो जो फर्स्ट नंबर दिख रहा है ना आपको, वो क्रैश गाड़ी, क्रैश गार्ड दिख रहे हैं, दिख रहा है ना आपको, पूरा लोडेड है। और ये भी एक गोडाउन है मेरा, पहले में कुछ डिफरेंस आया या वही है? मॉडलिंग वाली बातचीत हो गई यार वो नहीं, पहले वाली वीडियो में देखेंगे ना तो ऐसा कॉमन मैन वाली बातचीत लगती है, पर आप जाके थोड़ा सा। तो वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है हमारी बकचोदी में, काट देना भाई। तो मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट में, तो फिर जैसे गुड बाय।